कैसे हैं सारे भाई लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आई होप एवरी वन इज गुड। माई नेम इज अजय एंड यू आर ऑब्वियसली वॉचिंग अजय सिंह। तो आज हमारा डे 79 है 90 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। दिन बहुत ही पास आते जा रहे हैं। अब कितने 11 दिन बचे हैं। तो अपना को कहते हैं उम्मीद करते हैं कि अच्छी सारी चीज़ें जाएँ, अच्छी बॉडी कंडीशन हमारी निकल कर आए। बाकी अपना ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी होते हैं, मील वगैरह लेते हैं, वाइटल्स लेते हैं, देन ऑफिस के लिए निकलते हैं। सबसे पहले हमने बनाना शेक पिया, देन हमने अपने वाइटल्स लिए, जिंक एंड फिश ऑयल जो कि मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ। मैं जैसे आप सबको ही पता होगा अपने वाइटल्स डन, अपना बनाना शेक थोड़ा सा रह गया, वो पिया नहीं, लेट हो रहा हूँ। बाकी अब जल्दी से ऑफिस निकलते हैं, कुछ नहीं 5 बज गए वैसे भी, ठीक है जल्दी से ऑफिस निकलते हैं। देन फिर हम ऑफिस के लिए निकल गए थे। सबसे पहले ऑफिस पहुंच के हमने प्रोटीन पिया, देन 2-3 घंटे बाद हमने प्रॉपरली अपना लंच गर्म करके लंच वगैरह करा, देन उसके थोड़ी देर बाद हमने पनीर खाया, देन हम घर आ गए थे। देन हमने जो है प्री वर्कआउट खाया, दही आलू, और आज का बॉडी वेट 69.8 है। वर्कआउट की शुरुआत जो हमने फ्लैट बेंच प्रेस के साथ हमने चालू करी थी, जो कि हमने हैवी गए थे इसमें, आज 20 ही गए। ज़्यादा हमारा मन नहीं करा, मतलब थोड़ा अपना अंदर से ना पुश नहीं आ रहा था कि ज़्यादा वेट लिफ्ट मैं करूँ, तो पता नहीं ऐसा थोड़ा सा हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो मैं 20 kg के मैंने इसमें जो है 4 सेट निकाले थे। 20 kg पहले 15 kg का निकाला, देन हमने 20 kg के 3 सेट निकाले। इसके हमने जो है हम 10-12 रैप रेंज रख रहे थे। हर एक सेट की हमने 10-12 रैप रेंज रखी हमने, ताकि बाकी अच्छे हमने फटीक करके मसल नहीं मनता, फिर भी हमने फटीक करके मसल, फिर भी हमने अच्छे से वर्कआउट करा है अपना। ऐसा नहीं है कि अगर मन नहीं है तो हम वर्कआउट स्किप कर देंगे, वर्कआउट हम फिर भी करेंगे। देन उसके बाद जो है हमने हाई केबल क्रॉसओवर करा, जो कि हमारे लोअर चेस्ट के लिए हाई केबल क्रॉसओवर, इसके हमने जो है 4 सेट करे थे। वेट जो है हमने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करा था, और रेपिटेशन हमने जो है 10-12 रखी थी इस वर्कआउट की हमने। तो सबसे बढ़िया हमारा हमने जो 2 एक्सरसाइज करी है हम चेस्ट के ज़्यादातर यही अभी कर रहे हैं फर्स्ट डे पे। देन हमने इसके बाद जो है शोल्डर में स्विच कर दिया। शोल्डर में जो है हमने डंबल प्रेस हमने करा, जो कि 20 kg हमने लिया था इसके लिए। और इसके जो हमने 4 सेट निकाले थे बेसिकली, अगर हम कहें तो 4 सेट हमने 20 kg से निकाले थे। देन हमने जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने जो है इसके साथ हमने करी, जो कि ये भी शोल्डर के लिए ही है। देन हमने जो है बॉडी पार्ट्स ख़त्म करके हमने अपना स्टमक एरिया कवर करा। स्टमक के लिए हमने क्रंचेज वगैरह करे, देन क्रंचेज करने के बाद लेग रेजेज वगैरह हमने थोड़े बहुत करे थे इसके बाद, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देन प्रोटीन पिया, देन उसके बाद घर आके पनीर, देन 4 बॉइल्ड एग एंड मल्टी विटामिंस वगैरह हमने कंज्यूम करे, जो कि मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखते हो तो हमने अपनी पोस्ट मील वगैरह ले ली है, ठीक है। और आज का वर्कआउट ठीक था, हमने एब्स किए हमने थोड़े, और बाकी अपना शोल्डर और चेस्ट वगैरह की 2-2 एक्सरसाइज ही करी। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि अपना स्टमक एरिया पे, बाकी 2-2 एक्सरसाइज ही करूँ अभी बॉडी पार्ट की, कि बॉडी पार्ट में मतलब 2-2 एक्सरसाइज में मैं 4-4 सेट मार रहा हूँ। तो 4-4 सेट मारूँ तो बढ़िया है, रैप्स जितने हैवी जितने हाई मार जा सकते उतने हाई जा रहा हूँ रैप्स में मैं। बाकी आजकल यही वर्कआउट चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो अभी कुछ देर में ऑफिस में ऑफिस वाले जिम में चालू कर दूंगा वर्कआउट। तो यही सारा कुछ है। बाकी इस वीडियो को आज का दिन यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।